सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने किया वट सावित्री व्रत, पंडित शर्मानंद चौबे। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज वट सावित्री व्रत है और सोमवती अमावस्या भी है। हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि बरगद के पेड़ के नीचे काफी महिलाएं लोग अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री का व्रत रखी हुई हैं। उनसे जानेंगे खास बातचीत में क्यों व्रत रखती हैं। देखिए, बरगद के पेड़ के नीचे कोई 108 बार, कोई 5 बार, कोई 51 बार पूजा करते हैं या पंडित जी भी हैं। और कुछ हम महिलाओं से जानेंगे व्रत के बारे में। पहले आप लोग व्रत क्यों रखी हैं? क्या नाम हुआ आपका? आप लोगों ने सुना अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखी हुई है। अब यहाँ पंडित जी भी कथा सुना रहे हैं, इनसे भी खास बातचीत करेंगे। पहले एक दो और महिलाओं से जानते हैं। इस बार भीड़ काफी है क्योंकि कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है कि सभी लोग एक साथ में पूजा कर रही हैं। इस दृष्टि के लिए सत्यवान वह बन के पंडित जी, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है शर्मानंद चौबे। किस चीज का व्रत है आज? आज बट दुखी का है। आज पूजा महिलाओं लोग करती हैं, किस लिए करती हैं? बट वृक्ष के लिए, पति के आयु बढ़ने के लिए। आप लोगों ने सुना पति के आयु, लंबी आयु के लिए पूजा करती। और कुछ आप बताना चाहेंगे? संतान के लिए भी करते हैं कि भगवान हमको वट वृक्ष संतान देवे और उसका उन्नति हो। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है शर्मानंद चौबे। आप लोगों ने सुना पंडित जी से कि वट वृक्ष पूजा करती है अखंड सौभाग्य के लिए, अपने संतान सुख प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। इधर कैमरा के माध्यम से आप दिखाना चाहेंगे कि काफी महिलाएं लोग कथा श्रवण कर रही हैं पंडित जी से। ओम तथा सित्रानो कन्या गृहस्थे स्थापिना देवताया पूजा किस लिए किया जाता है? इसके बाद जो है तीन रात्रि दिन जाने पर वह प्राप्त काल को है, वह मरण की स्थिति वाले पति की लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं विवेकानंद चौबे, सिटी न्यूज़ झारखंड।